नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 4 जुलाई। आज की जो मेन मेन हेडलाइन वो देख लेते हैं। पेज नंबर 1 पर एनवायरमेंट से रिलेटेड है। स्पाइक इन द पॉल्यूशन लेवल में रेज डेथ रेट सेंसिटिविटीज विद क्लीनर एयर। एक कुछ रिसेंट में स्टडी आई है, इसने ये कहा है कि जो शहर ज्यादा क्लीन है उसमें जब पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं तो डेथ ज्यादा होती है, रेदर देन एक ऐसी सिटी है जहां ऑलरेडी पोल्यूटेंट्स ज्यादा हैं तो वहां पे डेथ कम हो रही है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं और एक लेवल पर जाकर वो उतना नुकसान नहीं करते जितना इनिशियली कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी स्टडी है, कोई खास रेलेवेंस नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, वो हमारे लिए काम का है। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, इसको मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें टारगेट था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ऑलमोस्ट 90% वर्क पूरा हो चुका है, बट कुछ काम बाकी है, तो इसलिए इसको मार्च तक एक्सटेंड किया है। एक और स्टडी आई है जिसमें ये कहा है कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं ये थोड़ी सी और पुरानी है। रिसेंट में ये मतलब अब तक ये माना जाता था कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं दे आर यंगर। तो एक स्टडी आई है हबल टेलीस्कोप वगैरह यूज करके, इन्होंने पता लगाया कि स्पाइरल गैलेक्सी और भी पुरानी हो सकती है। नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको लेके छोटा सा आर्टिकल आया, देखेंगे आराम से। फोर्ट वशीरा प्राकन करके एक जगह है थाईलैंड में, यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर 2024 में भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो है फैक्ट्री इंसिडेंट्स को लेके। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर अक्सर इंसिडेंट होते रहते हैं, कभी बॉयलर फट गया, कभी आग लग गई, कभी कुछ गिर गया, तो उसको लेके एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि डिस्पाइट इंडिया में इतने सारे लॉज हैं फिर भी ये फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर इनके लाइसेंस ढंग से चेक नहीं करते, या इंस्पेक्शन टाइम से नहीं होते, या जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं है, या कंप्लेन अगर कोई करता भी है तो उसका रिड्रेसल नहीं है। एक अच्छा आर्टिकल देखेंगे। और आज मैपिंग में हम देखेंगे नेशनल हाईवे भारत में कौन कौन से। चलो पहला आर्टिकल देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि मल्टी सिटी एनालिसिस हुआ किसके द्वारा, लैंसेट प्लैनेट हेल्थ। इसमें ये कहा कि भाई जो जो क्लीनर सिटीज है जैसे बेंगलोर है वहां पर एयर पोल्यूशन बढ़ने से ज्यादा डेथ हो रही है, रेदर देन दिल्ली जो कि ऑलरेडी हैविली पॉल्यूटेड है। एक छोटे सा मतलब एक ये कह सकते हो कि किसी ने एनालिसिस किया है कि आप देखोगे टॉप 10 सिटीज का इन्होंने किया तो दिल्ली और इसमें कुछ खास फर्क नहीं था। आप बेंगलोर में देखोगे तो 4.8 डेथ हो रही है, दिल्ली में आप देखो तो 11.5, लेकिन इनका पॉल्यूशन लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रिस्क यहाँ पर ज्यादा हो गया है PM2.5, बाद में जाके वो कम नुकसान करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर टू द बेंजीन पोल्यूशन। ठीक है, बेंजीन पोल्यूशन किस किस से होता है, तो इसका ऑप्शन थे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक एंड वुड बर्निंग। नीचे वाले दो नहीं थे, नॉर्मली साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द वो ले लेते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द कहां लगता है, जहां पर एप्लीकेशन पूछ रखी हो। यहां पर कुछ पैसे भी पूछ रखा था, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आप छोड़ देना बेहतर रहता है। बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट बेंजीन पोल्यूशन, इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज बेंजीन एंड हाउ दे आर रिलेटेड, तो इन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अब तो यूपीएससी ने पूछ लिया है तो इसको अपने नोट्स में होना चाहिए। बेंजीन दरअसल एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड स्वीट ओडोर के साथ होता है, ठीक है, और ये हवा में आती ही एक्सपोज होती है, एयर में एवोपरेट हो जाता है। मेन सोर्स बेंजीन पोल्यूशन का क्या है, ऑटोमोबाइल ऑक्सॉस, इंडस्ट्रियल सोर्सेस, टोबैको, वुड बर्निंग, फ्यूल एवोपरेशन फ्रॉम द गैसोलीन, ये सब इसके मेन सोर्स है। अगला आर्टिकल है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन को लेके। इसमें ये कहा गया था 2015 में लॉन्च हुआ था और ये कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि ऐसे सिटी जहां पर क्लीन एयर हो, सस्टेनेबल एनर्जी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब कुछ मतलब स्मार्टली टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाए। तो ऑलमोस्ट 90% पूरा हो चुका है, 10% बचा हुआ, तो इसको सरकार ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। और इसमें अभी एक नया कंसेप्ट भी आ रखा कि वी डोंट वांट स्मार्ट सिटीज, वी वांट स्मार्ट विलेजेस। ठीक है, ऐसे हो या अपने जो क्वेश्चन होते हैं मेंस में वहां आप यूज कर सकते हो इनको। तो हमें 100 सिटी डेवलप करनी थी जिसमें से 90% प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इतना ही आपको पता रहना चाहिए। स्मार्ट लिविंग हो, स्मार्ट मोबिलिटी हो, स्मार्ट पीपल हो, स्मार्ट इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, गवर्नमेंट अच्छी हो,
टेक्नोलॉजी का यूज करें, हेल्दी हो, इंटीग्रेटेड हो, तो ये सारे अब बोल वचन करने के लिए अपने मेंस वगैरह में अच्छा अच्छा खासा काम आ सकता है, ऐसे में काम आ सकता है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हो, या एल्डरली जहां केयर होता हो, इस तरह की बातें यहाँ करी गई थी। कुल 48,000 करोड़ का पैसा दिया गया था इसके लिए। तो इस तरह 2016 2015 में स्कीम लॉन्च हुई, 2016 में ही क्वेश्चन आया था प्री मेंस में कि अब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तो जब भी कोई मेजर मिशन लॉन्च होता है तो उसके अगले ही साल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब जब ध्यान रखना, जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं या 2024 में दे रहे हैं अभी भी, तो वो ऐसी जो न्यूज आती है तो उनके ऊपर थोड़ा नजर रखें। ठीक है, अगला है, ये एक साइंटिफिक स्टडी हुई, एस्ट्रोनॉमर्स ने करी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी में। वो कह रहे हैं कि जो हमारे स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, पहले ऐसे माना जाता था कि वो रिसेंट में यंगर हैं, लेकिन अभी ये मालूम पड़ा है कि वो और भी पुरानी हो सकती है। तो यूनिवर्स की जो स्टडी है ना, वो अमेजिंग है, हमें पता ही नहीं है कितनी पुरानी, नई नई खोज आती रहती है, चीज अपडेट होती रहती है। लेकिन यहां से हमें प्री के लिए क्या निकालना है, एक तो देखो यूनिवर्स की जो एज है 13.8 बिलियन, ये एनसीईआरटी मेंशन है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये गैलेक्सी वगैरह डिटेक्ट कौन करता है, ये करता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इन्होंने डीप ऑब्जर्वेशन करके निकाला है, ये प्री में क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। देखो 2022 का क्वेश्चन आया था कि भाई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत न्यूज में था, इसके फीचर बताने थे और क्या इसके गोल थे। अगर नहीं भी पता है तो गोल क्या होता है, अगर कोई स्पेस टेलीस्कोप है तो उसका एम क्या होगा, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, यूनिवर्स का ओरिजिन का पता लगाना, या इंटरप्लेनेटरी जो मिशंस हैं उसको सक्सेसफुल बनाना, या जो बिग बैंग थ्योरी उसको समझना, या सोलर रेडिएशंस का इम्पैक्ट समझना, इस तरह से है ना, पढ़ते पढ़ते वो चीजें ऐसा कॉमन सेंस से आप बना लेते हो। अगला अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज 2024 में 75 ईयर हो गए नाटो को। नाटो दरअसल एक अलायंस बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अब तो यूएसएसआर है ही नहीं, लेकिन फिर भी नाटो बढ़ता जा रहा है, करीबन 32 कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। इसमें ऐसा होता कि अगर किसी किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ जो नाटो का मेंबर है, तो फिर वो उन सब के अगेंस्ट में अटैक माना जाएगा। तो रशिया इस चीज को लेकर कॉन्शियस है कि भाई अब यूएसएसआर है नहीं, अब नाटो को क्या जरूरत है। यूक्रेन को भी नाटो का मेंबर बनाने की बात चल रही थी, तो ये काफी टसल चल रहा है। तो नाटो की लेगेसी है, और नाटो अभी भी ये कह रहा है कि भाई मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म है, साइबर अटैक्स हैं, इससे हम लड़ेंगे। तो अभी भी इनका रेलेवेंस है। नाटो को लेके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कितने मेंबर हैं, इनिशियली कितने थे, कब बनाया गया। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1949 में एज द अटलांटिक अलायंस। 12 फाउंडिंग मेंबर थे, कौन कौन थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूएसए एंड द यूके। तो बाद में अब इसमें 32 मेंबर हो चुके हैं, यूक्रेन को भी ऐड करने की बात चल रही थी। अभी रिसेंट में भी जो ऐड हुए थे वो आपको पता रहना चाहिए, बेसिकली कोल्ड वॉर में चलाया गया था, लेकिन अब तो कोल्ड वॉर भी खत्म होने को आ गया है। ठीक है, देखो इसके अंदर रशिया यूक्रेन वॉर में इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, या वेस्ट की जो हेजेमनी है वो मेंटेन कर रहे हैं अभी भी कि भाई इसको हम आगे नहीं आने देंगे। तो ये मिलिट्री अलायंस, ये आप ध्यान रखना। 2023 में देखो क्वेश्चन भी आया था कि अभी भी एक्सपेंशन और जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है नाटो की, या यूएस यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के लिए अच्छा काम कर रही है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये आईआर के, जियो पॉलिटिक्स के, इसमें अब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 8-10 कीवर्ड हैं, एशिया पैसिफिक, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक अलायंस, मिलिट्री अलायंस, रूल बेस्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, काउंटर चाइना, टेररिज्म, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर, ऐसे 10-15 वर्ड हैं, उसी से ये सोल्व हो सकता है। अभी फोर्ट वशीरा प्राकन करके कोई जगह है थाईलैंड में, वहां पर एक्सरसाइज मैत्री हुई है। तो हमने देखा था कि मैत्री, या ऐसा ही एक श्रीलंका के साथ भी थी जो इस साल प्री में आई है, मित्र। ठीक है, तो ये मैत्री है, वो मित्र है। ऐसे ही नोमैडिक एलिफेंट है, या हैंड इन हैंड है, अभ्यास है, ये एक्सरसाइज मालाबार है, इस तरह से 15-20 एक्सरसाइज हैं, वो याद करके रखो तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है तो क्यों करती है, इंटरऑपरेबिलिटी हो, एक दूसरे का हम काउंटर टेररिज्म में हेल्प कर पाए, या साथ मिलके हम न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, मिलिट्री अलायंस कर पाए, या
ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ऐसे एक्सेस की जाती हैं। ये 13th एडिशन था। और ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था कि हमारे जो मिलिट्री कॉपरेशन है थाईलैंड के साथ वो अच्छी हो। थाईलैंड तक हमारा एक रोड भी जा रहा है, इंडियन इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT हाईवे। ठीक है, थाईलैंड में काफी लोग जाते हैं, इंडिया से अच्छा खासा टूरिज्म इंडिया डिपेंड करता है, इंडिया पे डिपेंड करते हैं। कंबाइंड कैपेबिलिटीज होंगी तो अच्छा हो जाएगा। अब इंटेलिजेंस और ये सब मैंने बताया ना कि ड्रिल करेंगे, इंटेलिजेंस पता लगाएंगे। तो कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, उसका मेन एम यही होता है कि साथ मिलकर कुछ बेहतर करें ह्यूमैनिटी के लिए, अपने देश के लिए। एक अच्छा आर्टिकल लिखा है भाई साहब के आर श्याम सुंदर हैं, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है कि भाई देखो आर्टिकल ये कह रहा है कि एक तो इंडिया में इतने सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? सेफ्टी मेजर है ही नहीं, हेलमेट पहनना, हाथों में पहनना, कोई पहनता ही नहीं है। मतलब आपने आपने खुद वीडियोस में देखा होगा कैसे वो लोहे की चीजों को या इतने जो गर्म टेम्परेचर उसको इतना लूजली ट्रीट करते हैं। ठीक है, या इंस्पेक्शन रेट ज्यादा नहीं, इंस्पेक्शन हो तब तो ठीक कर लेते हैं, बाद में कुछ आता ही नहीं है, या रेगुलेटरी फेलियर है। तो ये कह रहा है कि पूरे आर्टिकल में कि भाई अर्जेंट रिफॉर्म होने चाहिए, लोगों की जो जो जिनकी जान जाती है भाई, उनके भी परिवार है, उनकी भी लाइफ है, तो आपको ना होना चाहिए। अब देखो केमिकल स्पिल हो गया, वाइड स्प्रेड ह्यूमन या मेटेरियल लॉस हो गया। रिसेंट में ये डोंबीवाली में कोई केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ था, और ये पहला नहीं है, 2016 से चल रहे हैं, लेकिन इनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मली ये फैटली होते हैं, मतलब जानलेवा साबित होते हैं। तो वही बात है, इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन, कंप्रोमाइज सेफ्टी प्रैक्टिसेस। तो पहले भी 156 केमिकल फैक्ट्री को शिफ्ट करने के लिए बोला गया था डोंबीवली से पेटल गंगा करके है, लेकिन किसी ने एक्शन लिया ही नहीं। अनरजिस्टर्ड स्टेटस है, बहुत सारे बॉयलर्स फट जाते हैं। तो हम वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? देखो भाई, रेगुलेटरी को और अच्छा बना दो, या फाइन लगा दो, या जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो। रेगुलेटरी चेक्स हो, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस हो, रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो, ट्रेनिंग अच्छे से हो, कैपेबिलिटी अच्छी हो, है ना, प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करो, ये सब करना पड़ेगा भाई। रेगुलेशन मॉनिटरिंग लूप होल अभी भी है, इनसफिशियंट वर्कर ट्रेनिंग है, वर्कर्स को ट्रेनिंग ही नहीं हो। सीधा आपने एक मूवी देखी होगी भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें आपने देखा कि एक नया आदमी भर्ती कर ले तो उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या होना है और वो कितने लोगों की जान जाती है। जरूर देखना एक बार भोपाल गैस ट्रेजेडी, अच्छी मूवी है, ट्रेन मैन करके आई थिंक उसका नाम है। तो इन्वेस्टमेंट वर्कर सेफ्टी में कोई करता नहीं, विशाखापट्टनम में हुआ, नेवेली में हुआ, बॉयलर जल गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984, चश्नाला माइनिंग डिस्ट्रो हुआ आई थिंक छत्तीसगढ़ में हुआ था ये, जयपुर में, कोरबा में। तो मतलब ये दीज आर एंडलेस इंसिडेंट्स। तो इनके पीछे पांच कारण याद कर लो, पांच सॉल्यूशन याद कर लो, पांच एग्जांपल याद कर लो, बस चल जाएगा आपका काम। ठीक है, सारा नहीं करोगे। सेंडाई फ्रेमवर्क जरूर याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंडाई फ्रेमवर्क। इसके लिए अलग से अपेलेट अथॉरिटी बना रखी है, कानून भी बना रखी है, लेकिन है नहीं। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MBA, जब भी कंट्री में कोई डिजास्टर आता है, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले कौन एक्शन में आएगा? NDMA। ऐसे ही स्टेट में भी होती है SDMA, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनके पास डिटेल प्लान होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारे पास फैक्ट्री एक्ट है, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है, तो सबके तहत ये काम हो रहा है, बट उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट लॉज करने चाहिए, बस कंक्लूजन यही है। आज का जो हमारा नेशनल हाईवे का है, देखो नेशनल हाईवे के बारे में ना एक अच्छी बात है कि हमारे नेशनल हाईवे को ना अभी रीनेम किया गया था। उसमें ये था कि जो भी नेशनल हाईवे इवन नंबर के होंगे वो नॉर्थ से साउथ चलेंगे, मान लो 2, 4, 6, 8, वो नॉर्थ से साउथ। जो इवन जो ओड नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, वो ईस्ट से वेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप नेशनल हाईवे देखो, अगर आप ओड नंबर देखो तो समझ जाना ये नॉर्थ से साउथ चल रहा है। कंट्री का सबसे लंबा हाईवे है NH 44, ये वाला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आपको पता रहेगा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कनेक्ट करता है। इन चारों को अगर रेलवे कनेक्ट कर दे तो उसको हम डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये हमारे 12th के NCERT में भी आते हैं। तो ये काम बनाता कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं। आजकल तो जितने हाईवे बन रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रहे हैं। अभी जैसे हरियाणा का सबसे लेटेस्ट हाईवे जो NH 152D है, कितना मस्त स्मूथ हाईवे है। तो इस तरह से ये न्यूज में रहते हैं, तो थोड़ा पता रहना चाहिए। सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखें तो NH 7766EE करके है, ये पता रहना चाहिए। NHAI जो है वो 1988 का एक एक्ट है, उसके अंडर ये बॉडी बनाई गई थी, ये ध्यान रखना।
एक भारतमाला परियोजना थी जिसमें जिसमें ये कोशिश करी गई थी हाईवे सेक्टर को फोकस में रख के डेवलपमेंट करना, ये ध्यान रखना भारतमाला। ठीक है, आज के जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि नाटो जो था वो कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसने ऊपर ढंग से पढ़ा हुआ आराम से आंसर कर लेगा। दूसरा है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो रशिया में चलती है, उसके आपको टर्मिनल बताने हैं, एंड पॉइंट्स, दो एंड स्टेशन कौन से हैं। तीसरा है स्मार्ट सिटी मिशन, आप सबको पता है 2015 में लॉन्च हुआ, बट किस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है, नोडल मिनिस्ट्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो पोल्यूटेंट है मेजर किया जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, AQI के अंदर जो जो पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं उनके नाम बताने, ये यूपीएससी प्री में आ चुका है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है ये आपको बताना है। जो भी इन बच्चे इनका रेगुलर कमेंट कर रहे हैं मैं उनको नोट कर रहा हूं, और जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो उनके नाम सेलेक्ट करके उनको गिफ्ट सेंड किए जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।